हाय दोस्त, मेरा नाम सियाराम कुमार हुआ। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें शुरू से अंत तक बिना स्किप किए। चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करता हूं कि व्हाट्सएप क्यों बैन होने वाला है। व्हाट्सएप इसलिए बैन होने वाला है क्यों, अगर आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि ये फेसबुक से लॉगिन करने के लिए बोलता है, या तो फिर इंस्टाग्राम से लॉगिन करने को बोलता है, या तो फिर ईमेल आईडी मांगता है, मतलब उसमें सारा चीज़ मांगता है। क्यों? क्योंकि वो अगर आप फेसबुक से लॉगिन करते हैं तो वो मतलब आपका डेटा हैक करता है और शेयर करता है दूसरे जगह। अगर आप इंस्टाग्राम से भी लॉगिन करते हैं तो वो डेटा आपका हैक करके दूसरे जगह शेयर करता है। इसलिए इस दुनिया का जो सबसे अभी अमीर आदमी है एलन मस्क, वो अभी ऐलान किया है कि ये व्हाट्सएप के जगह पर सिग्नल यूज किया जाए। इसलिए अभी पूरा देश सिग्नल यूज कर रहा है। अगर आप भी अगर व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो उसको डिलीट करके सिग्नल ऐप करें, यूज करें। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आज तक वाला जो वीडियो देखा, आज तक जो बताया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट भारत है। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के 200 करोड़ यूजर्स हैं, अकेले भारत में 40 करोड़ लोग इसका प्रयोग करते हैं, जबकि ब्राजील में 10 करोड़, अमेरिका में 7 करोड़, इंडोनेशिया में 6 करोड़। भारत में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति 24 घंटे में 23 से 25 बार ऐप को एक्सेस करता है, कम से कम 38 मिनट तक इसका इस्तेमाल करता है, जबकि पूरी दुनिया में 24 घंटे में 28 मिनट लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में एक दिन में व्हाट्सएप पर 10,000 करोड़ मैसेज भेजे जाते हैं, यानी एक मिनट में 7 करोड़ मैसेज भेजे जाते हैं। जुलाई 2020 में जब दुनिया में लॉकडाउन था तब हर रोज 2 करोड़ मिनट तक लोगों ने व्हाट्सएप कॉल किए हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप किस हद तक लोगों की जिंदगी में शामिल है। यही वजह है कि कंपनी ने अब इस बात का फायदा उठाने का मन बना लिया है और ये फायदा आपको आपके डेटा के बीच बाजार में रखकर वसूला जाएगा। यहां यह तुलना करना भी जरूरी है कि जो मैसेजिंग एप्स लोकप्रिय हैं वो आपका कितना डेटा इकट्ठा करती हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम और सिग्नल की तुलना हम आपके सामने कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार व्हाट्सएप कम से कम 16 तरह का डेटा आपसे लेता है। इसमें यूजर आईडी, पेमेंट, खरीदारी की हिस्ट्री, लोकेशन, फोन नंबर, ईमेल, कॉन्टैक्ट्स, इंटरनेट सर्च का डेटा सब शामिल है। फेसबुक मैसेंजर 39 तरह का डेटा एक्सेस आपसे मांगता है। टेलीग्राम 3 तरह का डेटा आपसे लेता है, इसमें यूजर आईडी और कॉन्टैक्ट्स की जानकारी शामिल है। और सिग्नल किसी भी तरह का डेटा नहीं लेता है, और जो फोन नंबर आपसे लिया जाता है उसे आपके डेटा से लिंक नहीं किया जाता है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की नई पहचान अब दुनिया के सामने अमीर शख्स के तौर पर है। मस्क ने अमेजॉन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। लोगों की प्राइवेसी का मजाक उड़ाने वाली व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर एलन मस्क ने सिर्फ 2 शब्द लिखकर एक ट्वीट किया और तहलका मचा दिया। ये 2 शब्द थे यूज सिग्नल, यानी सिग्नल का इस्तेमाल कीजिए। सिग्नल एक ऐप है जिसे व्हाट्सएप का विकल्प माना जाता है। दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब व्यक्ति की अपील का असर जबरदस्त रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने सिग्नल को ज्वाइन करने की कोशिश की, उसके नए यूजर्स की संख्या में तेज उछाल आया और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सिग्नल का सर्वर कुछ देर के लिए हैंग हो गया। यहाँ आपको सिग्नल के बारे में कुछ और बातें भी बता देते हैं। ये एक लोकप्रिय प्राइवेसी फोकस्ड मैसेजिंग ऐप है जिसको दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट सुरक्षित मानते हैं। सिग्नल को रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपके मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि ऐप आपके फोन नंबर को आपकी पहचान से नहीं जोड़ता। सिग्नल का इस्तेमाल करके वॉइस और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से फ्री है। व्हाट्सएप बाजार को समझ चुका है और लगातार फायदा उठाने की कोशिश में है। यह पहला मौका नहीं है जब व्हाट्सएप ने फेसबुक से डेटा शेयर करने की रणनीति बनाई है। इससे पहले साल 2016 में व्हाट्सएप ने फेसबुक से डेटा शेयर करने का फैसला लिया था, जिस पर यूरोप के कई देशों ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक पर भारी जुर्माना लगाया था। 2016 में जर्मनी ने फेसबुक को चेतावनी दी कि वो व्हाट्सएप से ली गई जानकारियों का इस्तेमाल न करे। 2017 में यूरोपियन यूनियन के सभी 28 देशों ने व्हाट्सएप को फेसबुक से जानकारी साझा न करने की चेतावनी दी। 2017 में यूरोपियन यूनियन ने फेसबुक पर 110 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। साल 2018 में इटली ने व्हाट्सएप पर 3 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। अमेरिका में भी यह मुद्दा गर्म है और ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई जारी है। यानी यूरोप में फेसबुक और उसके प्रोडक्ट्स की मनमानी नहीं चलती। यूरोप ने जो सख्ती दिखाई है उसमें भारत सहित तमाम देशों के लिए व्हाट्सएप से निपटने का फॉर्मूला है। एक लाइन में कहें तो इन कंपनियों की मनमानी सख्ती से रोकनी होगी। अब यहाँ पे आप आज तक वाला वीडियो देख लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सिग्नल कैसे आप यूज करें। इसमें अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं तो यहाँ पे देखिए मेरे स्क्रीन पर, चलिए स्टार्ट। मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे
यहाँ पे सर्च मारना है सिग्नल, SIGN। देखिए सेकंड नंबर में आ गया सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हूँ, ओपन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करना है, आपको भी ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे जाना है, फिर कंटिन्यू, फिर अलाव पे, फिर अलाव। यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर जो रहेगा वो अपने आप ही ले लेगा, और जो देश रहेगा वो अपने आप ले लेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे चले जाना है। यहाँ पे देखिए एक मैसेज आएगा, वो अपने आप ही ले लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सर्च हो रहा है, देखिए यहाँ पे सही के निशान आ गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, इंटर योर पिन नंबर। यहाँ पे आपका पिन नंबर है जो भी सर्च सेट करना है, 4 अंक का कोई भी पिन डाल देना। यहाँ पे देखिए खुल गया है, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सर्च हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए आपका खुल गया है न्यू ग्रुप, न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो ग्रुप है वहाँ से ले सकते हैं, इस पे से स्किप पे से। यहाँ जो ग्रुप का नाम है और मोबाइल नंबर वो ले लेना है। यहाँ पे देखिए नीचे में ऑप्शन आ रहा है न्यू ग्रुप और इनवाइट फ्रेंड्स, उस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे शेयर कर सकते हैं आप मैसेज भी। अगर आप मान लीजिए किसी फ्रेंड को लेना है तो यहाँ पे देखिए इनवाइट गुरु, इनवाइट फ्रेंड है, इस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करके आप जो फ्रेंड है उसको इनवाइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए न्यू ग्रुप ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी आप न्यू ग्रुप को भी जोड़ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह नए नए नोटिफिकेशन आपके तक आते रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा या नहीं। और सिग्नल ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी कमेंट में ज़रूर लिखें हाँ या ना। चलिए।